हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास प्लान फिजियोलॉजी यूनिट में मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे आज ठीक है सो इस टॉपिक को आज फर्स्ट टाइम हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर सो स्टार्टिंग करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स से कि असेंशियल एलिमेंट्स और नॉन असेंशियल कौन से होते हैं देखो यहाँ पर क्या है ना इसमें लिखा है कि वन एलिमेंट्स को अभी तक डिस्कवर किया गया है ठीक है और मोर देन सिक्सटी मिनरल एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स में मिलते हैं ठीक है अब हम इनका प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन पे भी यानी कि भले ही बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन हो लेकिन हो प्लांट्स में ये एलिमेंट्स होंगे अब एक एलिमेंट को असेंशियल एलिमेंट क्यों कहते हैं देखो कब कहते हैं एक एलिमेंट को असेंशियल एलिमेंट तब कहते हैं जब उस एलिमेंट का कोई स्ट्रक्चरल रोल हो या फिजियोलॉजिकल रोल हो या फिर हम ये कह सकें कि इस एलिमेंट के बिना ये प्लांट जो है सरवाइव ही नहीं कर पाएगा इसलिए ये एलिमेंट असेंशियल हो गया तो कोई भी एलिमेंट असेंशियल कब हुआ जब उस एलिमेंट का रोल है कि वो प्लांट के स्ट्रक्चर uh, में हेल्प कर रहा है मेंटेन करने में प्लांट की फिजियोलॉजी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है और प्लांट की लाइफ साइकिल मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है यानी कि उस एलिमेंट के बिना प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्या क्राइटेरिया होता है टू नो दशियालिटी ऑफ एलिमेंट कि ये एलिमेंट जो है ये असेंशियल एलिमेंट है क्या किस बेसिस पे हम इसको असेंशियल एलिमेंट कहेंगे तो वो जो बेसिस है वो जो क्राइटेरिया है वो आर्न एंड स्टाउट ने 1939 में दिया था क्या क्राइटेरिया था ये क्राइटेरिया में फाइव पॉइंट आते हैं देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एलिमेंट है उसको हम असेंशियल एलिमेंट कब कहेंगे अगर वो एलिमेंट नेसेसरी है यानी कि जरूरी है किसी प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और किसी प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर वो एलिमेंट एबसेंट हो गया तो प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा ना ही वो प्लांट प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा ना ही रिप्रोड्यूस कर पाएगा तो ये तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया कि नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए अगर वो एलिमेंट नेसेसरी है तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ असेंशियल एलिमेंट ठीक है सेकेंड पॉइंट देखिए एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स ये एलिमेंट जो है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए या तो प्लांट का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में इसका कोई रोल होना चाहिए या प्लांट के फंक्शन को मेंटेन करने में इसका कोई रोल होना चाहिए तो सेकंड क्राइटेरिया ये हो गया अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है कोई एलिमेंट तो वो एलिमेंट असेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल यानी कि ये एलिमेंट जब चाहिए तो फिर यही एलिमेंट चाहिए स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे हमने कोई और एलिमेंट दे दिया तो प्लांट ने जो है उसको यूज कर लिया नहीं इस एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो इसी की होनी चाहिए यानी कि इसके अलावा कोई दूसरे एलिमेंट से हम इसका रोल नहीं पूरा कर सकते ठीक है फोर्थ देखिए एबसेंस और रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट कॉजेज डिसऑर्डर्स फोर्थ क्या है कि ये एलिमेंट अगर एक एलिमेंट एबसेंट है तो उसकी वजह से प्लांट में कोई डिसऑर्डर कॉज हो रहा है यानी कि एक एलिमेंट अगर एब्सेंट हो गया उसकी वजह से प्लांट में कोई डिसऑर्डर हो गया तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो एलिमेंट असेंशियल एलिमेंट था यानी कि वो एलिमेंट के बिना जो है प्लांट नहीं वर्क कर सकता प्रॉपरली डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एब्सेंस और डेफिशियसी ऑफ एलिमेंट कैन बी करेक्टेड

तो ये जो फाइव क्राइटेरिया दिए हुए हैं मेंशन किए हुए हैं इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 17 ऐसे एलिमेंट हैं जो इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि 17 एलिमेंट आर असेंशियल एलिमेंट्स और वो कौन कौन से हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पोटैशियम फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आयरन बरोन मैंगनीज, कॉपर जिंक मोलिबेनम क्लोरीन एंड निकल इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन असेंशियल ठीक है अब ये तो आपने असेंशियल और नॉन असेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि किस बेसिस पे हम देखते हैं कि वो पांच क्राइटेरिया है कि अगर उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है एलिमेंट तो वो असेंशियल है अदरवाइज वो नॉन असेंशियल है इसके अलावा आप देखिए मैक्रो और ये जो होते हैं ना ये क्वांटिटी के हिसाब से होते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है ठीक है तो उस क्वांटिटी के हिसाब से हम कहते हैं कि या तो मैक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो और मैक्रो देखो नेम से ही पता चलता है मैक्रो मतलब ज्यादा माइक्रो मतलब कम तो मैक्रोन्यूट्रिय मतलब जो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्लांट टिश्यू के अंदर और कितना अमाउंट होता है टेन मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर यानी कि प्लांट का अगर वन केजी ड्राई मैटर देखें तो उसमें टेन मिली मोल ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए तब हम कहेंगे कि वो मैक्रो एलिमेंट है या मैक्रो न्यूट्रियट है ठीक है इनको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं भाई जब ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है प्लांट के अंदर तो इजीली तो डिटेक्ट हो ही जाएंगे यूजुअली ये इन्वॉल्व होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ठीक है ये नाइन होते हैं इन नंबर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो नाइन ये है जो मैक्रो हैं, ठीक है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये मेनली ऑप्टेड होते हैं सीओ टू और वॉटर से और बाकी सारे जो है वो सॉइल से आते हैं ठीक है ये जो हमारे पास थे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो और सीओ टू से आए हैं बाकी इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो सॉइल से आए हैं माइक्रो और ट्रेस एलिमेंट जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं यानी कि स्मॉल अमाउंट में कितना कम अमाउंट होता है यानी कि अगर वन के जी ऑफ ड्राई मैटर है प्लांट का तो टेन मिलीमोल से कम प्रेजेंट होंगे ये ठीक है तो इसको बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट्स ये किस में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि मैक्रो जो थे वो तो ऑर्गेनिक एसिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहे थे ऐसे ही ये एंजाइम्स की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स अब ये ट्रेसेस में रिक्वायर है बहुत कम अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट है इसलिए इनको हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं दे आर एट इन नंबर्स कौन कौन से होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स आयरन मैंगनीज, कॉपर मोलिब्डेनम, जिंक बोरोन क्लोरीन एंड निकल ठीक है ओके आप लोग को क्लियर हुआ होगा डिफरेंस एक बार देख लेते हैं मैक्रो कौन से होते हैं मैक्रो वो होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है यानी कि आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हो माइक्रो वो है जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है आप उसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते हो मैक्रो में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होती है टेन मिलीमोल से ज्यादा होती है पर के ऑफ ड्राई मैटर और माइक्रो में क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज लेस देन टेन मिलीमोल ठीक है मैक्रो uh, जो होते हैं वो प्लांट बॉडी बिल्टअअप करने में हेल्प करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लेकिन जो माइक्रो हैं सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए ही चाहिए होते हैं ठीक है मैक्रो जो होते हैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गए अपनी कॉन्सेंट्रेशन से तो वो ऐसा नहीं है कि प्लांट्स के लिए नुकसान करेंगे प्लांट्स के लिए टॉक्सिक हो जाएंगे ऐसा नहीं होता लेकिन माइक्रो अगर जरा से भी अपनी कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर उठ गए तो वो टॉक्सिक नेचर के होने लगते हैं प्लांट्स को हार्म करने लगते हैं मैक्रो में कौन कौन से आते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम सल्फर मैग्नीशियम और कैल्शियम और माइक्रो में कौन से आते हैं आयरन जिंक मैग्नीज बोरोन कॉपर मोलिबेनम क्लोरीन एंड निकल सो so होप कि आप लोग को पता चल गया होगा इजीली मिनरल न्यूट्रिशन में कि असेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं नॉन असेंशियल कौन से हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं किस क्राइटेरिया पे हम असेंशियल और नॉन असेंशियल बोलते हैं और मैक्रो और माइक्रो के बीच का डिफरेंस क्या होता है सो होप द लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर यू सो स्टे स्टेन विद द क्लासेस कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट अकेडमी नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू